पीसीसी मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। इस दौरान पीसीसी चीफ और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी पहुंचे और उन्होंने बाबा साहेब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। पायलट ने इस अवसर पर पूर्व पीसीसी चीफ स्वर्गीय मथुरा दास की पुण्यतिथि पर उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन किया गया। अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी बाबा साहेब को श्रद्धासुमन अर्पित किए। पायलट ने मीडिया से बात करते हुए सभी से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की अपील की। चौदह अप्रैल को पूरे देश में बहुत शिद्दत के साथ अंबेडकर साहब की जयंती को हम लोग मनाते हैं और मुझे लगता है कि आज के दिन पूरा देश उनको याद करता है, जो योगदान उन्होंने दिया, और दुनिया भर में एक ऐसा संविधान बना है जिसको आज लोग उसका लोहा मानते हैं, और वही एक ऐसा एक दस्तावेज है जो पूरे देश को दिशा देता है। जो भूमिका उनकी रही इतिहास में, अपने समाज में और संविधान के निर्माण में, उसको कभी हम भूल नहीं सकते। तो पूरे देश के साथ आज पूरी कांग्रेस पार्टी, सभी कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति